जितना चोर है सब चौकीदार बन गया, जितना चोर है सब चौकीदार बन गया। और आप जान जाइए, अगर मोदी जी आप अपने आप को चौकीदार समझते हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता, थानेदार जो वादा किए थे उसमें से 15 लाख छोड़िए, 2-3 लाख रुपया बोनी करा दीजिए, हम लोग पकौड़ा का दुकान ठेला खोल लेंगे। वो तो करे, बात बात पे अंतर आत्मा जगाते हैं। अब सृजन में फंसे तो अंतर आत्मा सोया हुआ, जागा हुआ, जाग ही नहीं रहा, खाली तेजस्वी या लालू जी के लिए अंतर आत्मा जागता था। हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में पॉक्सो कोर्ट ने बोला सीबीआई जांच करने के लिए मुख्यमंत्री का, तब मुंह नहीं खुल रहा, अंतर आत्मा नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है हमारे चाचा का अंतर आत्मा जो है बंगाल की खाड़ी में डूब मरा है। बाल बच्चों को खिलाना है, परिवार को पालन पोषण करना है, हम तो पकौड़ों बेचने के लिए तैयार है। लेकिन एक काम कीजिए कि कम से कम जो 15-15 लाख रुपए का जो वादा किए थे उसमें से 15 लाख छोड़िए, 2-3 लाख रुपया बोनी करा दीजिए, हम लोग पकौड़ा का दुकान ठेला खोल लेंगे। वो तो करें, अरे भाई पकौड़ा का दुकान में पैसा लगेगा ना, तो कहाँ से लाइए, मोदी जी से मांगिए। मान लो एक साल में 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ों के खाए, एक साल में 2 करोड़ यानी 5 साल में 10 करोड़। हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा, जब घरवे में पकौड़ा बेच रहा है तो बाहरवा जाके दिखाएगा, यानी दुकान नहीं चलेगा, चलेगा दुकान। तो पकौड़ा खिलाइए मोदी जी को, तो आज यानी बोलते चौकीदार, चौकीदार ऐसा चौकीदारी इन्होंने किया कि विजय माल्या भाग गया आप लोग का पैसा लेकर के, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी अरबों करोड़ रुपया पूरा बैंक लूट करके चले गए। आप लोगों का पैसा बैंक में सब नोटबंदी में जमा करवाया और उन लोग सब लेकर के भाग गए। हाँ, आप चौकीदार कहते हैं, हम चौकीदार हैं, जितना चोर है सब चौकीदार बन गया। और आप जान जाइए, अगर मोदी जी आप अपने आप को चौकीदार समझते हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार बख्शेगी नहीं, आपको सजा देने का काम कीजिएगा, तो दीजिएगा सजा। गलती की है कि नहीं की है, बिहार की बोली लगाई थी पिछला चुनाव में कि 70,000 करोड़ दो की 80,000 करोड़ दो, लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, क्या मिला बिहार को, देने का काम किया इन लोगों ने। आप देखिएगा पूरी तरीके से ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, और हमारे चाचा तो अजब कारनामा करते हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। बात बात पे अंतर आत्मा जगाते हैं। अब सृजन में फंसे तो अंतर आत्मा सोया हुआ, जागा हुआ, जाग ही नहीं रहा, खाली तेजस्वी या लालू जी के लिए अंतर आत्मा जागता था। हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में पॉक्सो कोर्ट ने बोला सीबीआई जांच करने के लिए मुख्यमंत्री का, तब मुंह नहीं खुल रहा, अंतर आत्मा नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है हमारे चाचा का अंतर आत्मा जो है बंगाल की खाड़ी में डूब मरा। बोलते थे भाजपा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में ना जाऊंगा। बताइए, भाजपा में तो मिल गया लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। हम बचपन में एक मूवी देखे थे चाचा 420, कहीं चाची 420, और अभी देख रहे चाचा 420, मतलब गजब का हेरा फेरी करते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं, सब को ठगा। बताइए,